25 साल की गिरावट बताना चाहता हूँ। पहले कहीं बाहर जाना होता था तो बाप से पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। माँ से कहता था, माँ मुझे बाहर जाना, पिताजी से परमिशन दिला दे। माँ परमिशन दिलाती थी तो मैं बाहर जा पाता था। फिर मैं बाप की आज्ञा से बाहर जाने लगा। फिर मैं बाप को बता करके बाहर जाने लगा। फिर मैं बाप को बिगर बताए बाहर जाने लगा। और आज बाप की हिम्मत नहीं जो मुझसे पूछ ले, बेटे तू कहाँ जा रहा है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते। फिर हमने बना लिया एक मकान, एक एक कमरा अपने लिए, एक एक कमरा बच्चों के लिए, एक रीडिंग रूम, एक वो बाहर छोटा सा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जो मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, एक वो अंदर बड़ा सा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जिनके आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ। बहुत अच्छा जी, वाह वाह वाह। पहले मैं फुसफुसाता था तो घर के लोग जाग जाते थे, करवट भी बदलता था तो घर के लोग सो नहीं पाते थे। और अब जिन दरारों की वजह से दीवारें बनी थी, दीवारों में भी दरारें पड़ गई। अब मैं चीखता हूं तो बगल के कमरे से ठहाके की आवाज सुनाई देती है और मैं सोच नहीं पाता हूं कि मेरी चीख की वजह से वहां ठहाके लग रहे हैं या उनके ठहाकों की वजह से मैं चीख रहा हूं। क्या बात है, वाह 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 वाह। आदमी पहुंच गया चांद तक, बड़ी तरक्की की। साहब अनपढ़ थे तो सरदार पटेल को चुनते थे, पढ़े लिखे हो गए तो फूलन देवी को चुन करके भेजते। आदमी पहुंच गया चांद तक, बड़ी तरक्की की। साहब चांद को छूने में घमंड महसूस करते हैं और माँ बाप के पांव छूने में शर्म महसूस करते हैं। आदमी पहुंच गया चांद तक, पहुंचना चाहता है मंगल तक, खोजना चाहता है सूर्य के रहस्य, लेकिन नहीं पहुंचता भाई के दरवाजे तक। और आज इस समृद्धि की ऊंचाई पर बैठकर मैं सोचता हूं इसके लिए मैंने कितनी बड़ी खो दी है खाइयां। क्या बात है, वाह। अंतिम पंक्तियां हैं, बात अच्छी लगे तो एक एक व्यक्ति की तालियां चाहूंगा। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी। बहुत अच्छे, वाह जी वाह। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। मुझे बाप के बेटे से अपना बेटा अच्छा लगने लगा है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अब मेरा बेटा भी कमा रहा है, कल को मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। और हकीकत यही है दोस्तों, तमाचा मैंने मारा है तो तमाचा मुझे खाना भी पड़ेगा। आज इस पावन मंच से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ युवा पीढ़ी से, जिंदगी भर माँ बाप के साथ रहना ताकि आपके बच्चे जिंदगी भर आपके साथ रह सके। क्या बात है, क्या बात है। हो सकता है नौकरी और व्यापार की वजह से आप शारीरिक रूप से साथ न रह पाए, पर जिंदगी भर मानसिक रूप से माँ बाप के साथ रहोगे तो आपके बच्चे भी जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे।